नमस्कार, मैं हूं दीपक। आप देख रहे हैं एक्सेस भारत न्यूज। तो चलते हैं आज की 10 मुख्य खबरों की ओर। कानपुर के बिल्लौर क्षेत्र के रसूलपुर गांव में भतीजे ने चाचा के सिर में सटाकर मारी गोली, युवक गंभीर रूप से घायल। आरोपित ने विवाद में जान से मारने की दी थी धमकी। कानपुर के उस्मानपुर कॉलोनी में रहने वाली 75 वर्षीय साध्वी और भाजीमो नेता के बीच मारपीट का मामला, पुलिस ने साध्वी और गवाहों के बयान दर्ज किए हैं। यूक्रेन में 3 लाख रिजर्व सैनिक तैनात करने की घोषणा के बाद से ही देश भर में प्रदर्शन शुरू हो गए। पुलिस ने हजारों लोगों को हिरासत में लिया है। कानपुर के विश्व हिंदू परिषद विहिप ने ब्रिटेन में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर विरोध जताया। संबंध में विहिप ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लिज ट्रस को पत्र लिखा है। कानपुर के जाजमऊ में शालीमार टेनरी कांड विधानसभा में गूंजा। पुलिस पर करोड़ों की टेनरी कब्जा कराने का आरोप, विधानसभा अध्यक्ष ने रिपोर्ट तलब की। फरुखाबाद जिले में युवक की हत्या कर शव बोरे में भरकर कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव चौरा रोड में खेत में फेंका। बदबू आने पर पहुंची पुलिस। नागरिक मंच शुक्लागंज उन्नाव ने पोनी रोड स्थित ओम विद्या मंदिर में शुक्लागंज मेट्रो रूट बदलवाने के लिए चलाया हस्ताक्षर अभियान। कानपुर से उन्नाव के बीच चलेगी मेट्रो, शुक्लागंज में ठहराव की मांग की। उन्नाव में 12 साल की गैंगरेप पीड़िता मां बनी। कोर्ट ने डीएम और सीएमओ को दिया ख्याल रखने का आदेश। 8 महीने पहले हुआ था दुष्कर्म। ज्ञान व्यापी मां श्रृंगार गौरी केस की नियमित सुनवाई आज तकरीबन 45 मिनट तक अलग अलग पक्षों को सुनने के बाद केस की सुनवाई की अगली डेट 29 सितंबर फिक्स की गई है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत के पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की। कहा, नरेंद्र मोदी की देश के बाहर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन हमारे देश के नेताओं की दूसरे देशों में करोड़ों की संपत्ति है।